औरंगाबाद के कासमा गांव में 11 महादलित परिवारों के खलिहान में अचानक आग लग गई, जिससे कि खलिहान में रखा गेहूं और सरसों के सैकड़ों बोरे जलकर राख हो गए। वहीं पुलवा के गांज को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, मगर आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सब कुछ जल गया। बाद में पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया, लेकिन आग लगी की इस घटना में 11 परिवार की उम्मीदें जलकर खाक हो गई। अब हंगामा हुआ, हर आदमी हर किसी में कोई पैर पेशाब करने के लिए देखा, हालात किया, सब आदमी दौड़ा, दौड़ते दौड़ते नहीं साधन नहीं मिला, नहीं। औरंगाबाद के सूर्यनगरी देव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आयोजित होने वाली चैती छठ पूजा पर जिला प्रशासन ने वैसे तो रोक लगा दी है, बावजूद जानकारी के अभाव में कुछ व्रती यहां छठ पूजा का अनुष्ठान करने पहुंच गए थे। बाहर से विभिन्न सवारी गाड़ियों के माध्यम से यहां पहुंचे इन श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन की टीम ने बैरंग वापस लौटा दिया और अपने घर पर ही कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए छठ पूजा करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि पूजा पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक प्रचार प्रसार का दावा किया, मगर इन श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना प्रशासन के इस दावे की पोल खोलकर रख देता है। जगह जगह फ्लैग पर बैनर लगाया गया है और कोई भी लोग यहां पर नहीं आए, इसके लिए हम लोग जगह जगह बैरिकेडिंग भी कर रहे हैं और वहां पर पोस्ट मस्जिद की प्रतीक्षा भी होगी ताकि कोई भी लोग यहां पर ना आ पाए। औरंगाबाद में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है, बावजूद यहां के लोग लापरवाह बन बैठे हैं। सदर अस्पताल में जहां कोरोना की जांच की जा रही है या फिर जहां टीकाकरण केंद्र है, वहां लोगों की बेतरबी भीड़ यह बताने के लिए काफ़ी है कि लोग कोरोना को लेकर कितने सचेत हैं। इस बाबत सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन लोगों को मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अक्सर हिदायत देते रहते हैं, मगर लोग इसे मानते नहीं हैं, जबकि यह लापरवाही उनके साथ साथ पूरे समाज के लिए भारी पड़ सकती है। हम लोग करते हैं, देखते हैं तो फिर अलग हो जाता है। जहाँ पर चेक हो रहा है कोरोना, वहाँ भी यही स्थिति है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? चेक हो रहा है वहाँ भी, महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कई गाइडलाइन जारी किए गए। वहीं महापर्व चैती छठ को लेकर छठ व्रती महिलाओं को गंगा घाट ना जाकर अपने घरों में ही पर्व करने की अपील की गई, जिसका पालन करते हुए पटना सिटी में छठ व्रती महिलाओं ने अपने घरों के छतों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर विधि विधान के साथ छठ पूजा किया। वहीं छठ व्रती महिलाएं अपने घरों के छतों पर स्विमिंग पूल बनाकर छठ पर्व कर रही हैं और छठी मैया से सभी लोग कोरोना वायरस को खत्म करने की प्रार्थना कर रही हैं। वहीं छठी व्रती महिलाओं का कहना था कि कोरोना काल को देखते हुए गंगा घाट ना जाकर अपने घरों में ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। आज चैती छठ का तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य का हम लोगों ने शाम को कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने शाम को छत पर ही अर्घ दिए हैं और सूर्य भगवान से यही प्रार्थना की है कि इस भारत देश जैसे देश से कोरोना बीमारी को दूर भगाए और सरकार को गाइडलाइन करते हुए हम लोगों ने ये छत पे ही सुरक्षा से अर्घ दिए हैं।